नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मेरे प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में, और चर्चा करने वाले हैं बहुत ही एक प्राउड फील कराने वाले टॉपिक पे, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के एक्सपोर्ट के बारे में, यानी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत, आपने सुना होगा, अभी तक बहुत सारे देशों से हथियार खरीदता आ रहा है। आप सिप्री की रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत सारे हथियार खरीदने में भारत की रैंकिंग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी रहती है। तो क्या ऐसी चीजें हुई कि भारत अब मंगाने की जगह बेचना शुरू कर रहा है? जी हाँ, भारत ने स्नाइपर राइफल बेचना स्टार्ट किया है विदेशी राष्ट्रों को। अब आप देश सोचेंगे कि कैसे, तो यहाँ पर जो चर्चा होगी वो इसी पर होने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो पिछले एक साल में भारत ने 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है कि भारत जैसा देश जो अभी तक क्या करता था, सामानों का आयात कर रहा था, डिफेंस का इंपोर्ट कर रहा था, वही देश अब डिफेंस का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और 21,000 करोड़ तक के जो बजट है वहां तक वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप बात करें तो फिलीपींस को भारत ने क्या किया था, फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बेची, ठीक है। तो 9 जुलाई को इसके बाद इसने क्या है, एक माइलस्टोन किया है अर्जित, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी ने स्नाइपर राइफल्स बेचने का जो टेंडर है वो लिया है विदेशी राष्ट्र से। बात करेंगे इसकी तो बेंगलुरु में SSS डिफेंस नाम की कंपनी है, जिसने 417 करोड़ रुपए के ज्यादा से जो कीमत है उसकी स्नाइपर राइफल्स बेचेंगे, जिसका नाम है 0.338 लेपुआ। अब इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसका नाम लापुआ क्यों पड़ा है, ठीक है। तो आपको बताऊं तो ये जो राइफल है 0.338 लापुआ, तो आपको पता होगा कि जो बंदूक होती है उनका एक कैलिबर होता है, बंदूक का जो बोर होता है, जो बुलेट होती है उसका डायमीटर। तो ये क्या है, आपने सुना होगा 0.6 mm, 0.9 mm, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ये 0.338 mm स्नाइपर राइफल। अब इसका नाम लापुआ क्यों पड़ा, इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी को समझिएगा। ये जब बनाई गई पहली बार, तो जहां पर ये बनाई गई इस देश का नाम था लापुआ, ठीक है, सॉरी इस जगह का नाम था लापुआ, और इसी जगह के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया लापुआ स्नाइपर राइफल। अब इसकी अगर खासियत की बात करें तो इस राइफल की रेंज जो है वो 1.5 किलोमीटर की है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से ये अपना निशाना साध सकती है। वजन इसका अगर बात करें तो लगभग 6.5 किलोग्राम है, कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, 5 से 10 राउंड की मैगजीन आपको मिलती है, और डे विजन और नाइट विजन दोनों के लिए दूरबीन जो है वो इस पे माउंट की गई है। ये पूरी बंदूक जैसे हॉलीवुड मूवी में आप देखते हैं तो फोल्डेबल गन्स होती हैं, सेम वैसे ही इसको डिजाइन किया गया है, और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो सबसे पहली दुनिया की राइफल जो है वो क्या है, विटवर्थ राइफल, दुनिया की सबसे पहली राइफल है, ठीक है। इसको 1854 में डिजाइन किया गया था जोसेफ विटवर्थ के द्वारा, और जो 0.333 कैलिबर की मैगजीन लापुआ जो है एक जगह का नाम है, ठीक है, ये क्या है, लापुआ मैग्नम कारतूस जो है इसको किया गया था, तो ये लापुआ जगह का नाम है और यहीं पर इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम लापुआ रखा गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करें तो 2023-24 का जो साल था, इसमें अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने निर्यात किए हैं कितने, 1.27 लाख करोड़ के हथियार, ठीक है, क्या किए हैं, निर्यात किए हैं इसमें से 21,000 करोड़ के, और बनाए कितने हैं तो 1.27 लाख करोड़ के हथियार बनाए हैं, जिसमें आपका तेजस विमान है, आपका भीष्म टैंक है, आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर है, आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, और आपका ये गन्स हैं, बहुत सारे जो आर्मर्स होते हैं जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, जूता हो गया, या फिर पहाड़ों पर चढ़ने वाली व्हीकल्स हो गई, इन सब चीजों की यहाँ पर पूरी टोटल जो वैल्यू है वो
आंकी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये लगभग लगभग 32-32.5% ये क्या है, बढ़ा है, जो सिप्री की रिपोर्ट होती है, ठीक है। सिप्री आप लोगों ने सुना होगा, सिप्री जो है वो आयुध पर आधारित रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली है, किस देश के पास कितने हथियार हैं, कौन सा देश कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है, इन सारी चीजों की रिपोर्ट जो है वो सिप्री देता है, जिसका पूरा नाम क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 2002 से 2023 के बीच भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है म्यांमार ने, लगभग 31% भारत के हथियारों को खरीदने वाला देश कौन सा है, म्यांमार यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है, म्यांमार। उसके बाद हथियार खरीदने में नंबर है किसका, श्रीलंका का। उसके बाद मॉरिशस, सेल्स, और उसके बाद ये सारे देश हैं जो भारत से हथियार खरीद रहे हैं। और ये डेटा आपको भ्रमित नहीं होना है, ये सिप्री का डेटा है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। अब आपसे बात करें तो जो फिलीपींस है वो साउथ चाइना सी में है, और चाइना जो है हमेशा डराता धमकाता रहता है ताइवान को, फिलीपींस को, जापान को, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से फिलीपींस जो है वो चीन का दुश्मन देश है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बेची है, 2022 से ये ऑर्डर्स जो है वो चल रहे थे, तो 3130 करोड़ रुपए की डील जो है वो क्रैक की है भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। इस मिसाइल के लिए बहुत सारे देश जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बात करें सबसे ज्यादा पोत जो है वो भारत जो है बेचता है, भारत के निर्यात की बात करें तो 61% इसमें पोत है, 14% सेंसर, 20% एयरक्राफ्ट। इसमें तेजस एयरक्राफ्ट आगे चल के आने वाले टाइम में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होने वाला है तेजस का, क्योंकि ये बहुत ही लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको हम बहुत ही कम ईंधन में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली उड़ा सकते हैं, ठीक है। और बाकी 1% इंजन, 0.9% मिसाइल्स और 1.1% आर्टिलरी है, ठीक है। ये भारत का एक्सपोर्ट है। अगर बात करें आंकड़ों के बारे में तो आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 2016-17 में 1521 करोड़ रुपए था, यही 2024 में 21083 करोड़ रुपए हो जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करें अपने सबसे सक्सेसफुल इक्विपमेंट के बारे में, जिसका नाम है तेजस। तो HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। ये सिंगल सीटर भी है और डबल सीटर भी है, ठीक है। लेकिन इसका जो दो सीटर वाला वर्जन है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इवन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे विकसित जो देश हैं जिनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा है, जिनसे हम हथियार खरीदते हैं, वो भी तेजस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तेजस जो है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, भविष्य में तेजस भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट निकल कर सामने आने वाला है, जिसका बहुत ही भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बनावट है इसकी, ये कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की है, जिससे इसका जो वजन है वो बेहद कम है, बहुत ही कम वजन है। और इसीलिए एयरक्राफ्ट जाने जाते हैं कि आप उनका वजन कितना कम कर सकते हैं, जिससे उनकी जो मिसाइल्स या फिर वॉर हेड्स ले जाने की क्षमता है और उनकी जो फ्यूल धारण करने की क्षमता है वो बढ़ सके, ठीक है। सेल्फ प्रोटेक्शन सेंसर है इसमें, ठीक है। इसमें जैमर लगाया गया है और ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज इसकी मिसाइल्स हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इसमें हो जाती है, हवा में ही हम इसमें रिफ्यूल कर सकते हैं। हथियार के मामले में 6 तरह की मिसाइल्स इसमें तैनात हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एयर टू सरफेस का मार करने में बहुत ही सटीक है। 100% इसकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर है, तो इसलिए तेजस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था इस सेशन का एक कंक्लूजन कि भारत जो है अब ऊंचाइयों को छूने वाला देश बन चुका है, बड़े मुकाम हासिल करने वाला देश बन चुका है। विदेश नीति में डंका बजाने के साथ हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट पर पहुंच गए हैं। और लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।